गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अलवीना रेसिपी। तो आज मेरे किचन में बन रहा है कटलेट चाप। तो मैंने कटलेट को एक चाप का शेप दे रखा है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ ये कटलेट। तो आइए शुरू करते हैं कुकिंग। तो हमेशा की तरह मेरे सारे मसाले रेडी हैं और मैं भी पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आलू और मटर उबाल के गला लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने ओवन में ही दोनों चीज़ें एक साथ गला ली थी। आप चाहे ओवन में कर ले या फिर गैस पे ही, मतलब इनको गला लेना है। तो यहाँ पर मैं ग्राइंड करने जा रही हूँ, तो चलिए फटाक से हमने कर लिया है ग्राइंड। तो ये देखिए फाइन सा पेस्ट हमारा तैयार हो गया है मटर का। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले हम पिसे हुए मटर में ऐड करने वाले आलू। तो यहाँ पे आलू मैंने फटाफट से डाल दिए हैं और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्ची पाउडर। अब मैं ऐड करूँगी चाट मसाला, ज़ीरा धनिया पाउडर, पिसी खटाई, आमचूर और ये है मेरा ब्रेड का चूरा। यानी ब्रेड को भी मैंने ओवन में रख के ड्राई कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको बारीक सा पीस दिया है फाइन सा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए। और अब मैं ऐड कर रही हूँ ऑर्गेनो। तो चलिए ये सब मैंने डाल के मैं कर लूँगी मिक्स। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ नमक। तो सारे मसाले पड़ने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि सारे मसाले और हर चीज़ इक्वल हो जाए, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम ना हो। तो देखिए यहाँ पे ब्रेड के पड़ने से यहाँ पे ड्राइनेस आ गई है, तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसके अंदर जिससे इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए। तो बस देखिए एक से दो चम्मच ही मैंने ऐड करा है पानी और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए फटाफट करते हैं मिक्स। तो यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ चॉपिंग बोर्ड और चॉप स्टिक्स। तो स्टिक्स मैंने मार्केट से ही ख़रीद ली थी, तो ईज़िली मिल जाती मार्केट में, आराम से आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाएंगे कटलेट चाप। तो स्टार्ट करते हैं, आप देख रहे हैं और यहाँ पे मैंने इसको लंबे आकार में कर लिया और मैं पानी लगा लगा के इसको शेप देती जा रही हूँ। तो यहाँ पे शेप देने के बाद आप देख सकते हैं कि अब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। तो प्रेस करने को थोड़ा सा ही बस प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं करना है कि वो पतला होकर टूट जाए, थोड़ा सा थिक रखना है। तो यहाँ पे देखिए परफेक्टली मेरा शेप तैयार हो गया है जैसा मुझे चाहिए। तो अब मैं इसको यहाँ पे पूरी साइज़ को बराबर करके अब मैं इसके अंदर यहाँ पे देखिए नीचे से मैंने थोड़े से इसको पतला कर दिया, शेप दे दिया है कि वो टूटे नहीं, वहाँ से मोटा हो जाए। तो यहाँ से देखिए मैं कितनी ईजिली स्टिक को अंदर डाल रही हूँ। और स्टिक को डालते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि स्टिक ज़्यादा नीचे साइड में भी ना जाए कि वो टूट जाए, और ना ज़्यादा ऊपर साइड पे आए कि वो ऊपर की साइड से निकल आए, तो बिल्कुल बीच से ही जाना है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से मैंने परफेक्टली 2000 years later। तो यहाँ पे मैंने चारों स्टिक्स रेडी कर ली हैं और माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है ना, फ्लावर की तरह। तो चलिए अब इसकी बारी आती है फ्राई करने की। तो सबसे पहले मैंने रख दिया है यहाँ पर नॉन स्टिक तवा और मैं इस पर लगा रही हूँ ऑयल। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल लगा के सारे स्टिक्स हम तवे पे लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे स्टिक्स रख दिए हैं तवे पे फ्राई होने। तो चलिए जब तक एक साइड का हम लोग फ्राई करेंगे, मैं ऊपर से ऑयलिंग भी कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑयल भी इसमें नहीं लगेगा और परफेक्ट हमारे क्रंची से चाप्स तैयार हो जाएंगे। तो अच्छा, आपके पास दो तरीके से आप इसे फ्राई कर सकते हैं, एक तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ और दूसरा आप डीप फ्राई कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी पसंद आए। फ़िलहाल मैंने सोचा कि कढ़ाई में ये स्टिक्स भी बहुत बड़ी हो गई थी तो वो उसमें नहीं इजीली आती, तो मैंने इसको इस तरीके से, और ये इस तरीके से भी कम ऑयल लगेगा और क्रंची से बनेंगे। तो जैसा कि रेडी है हमारे चॉप स्टिक्स कटलेट। तो यहाँ पे देखिए कितने प्यारे लग रहे थे ये स्टिक्स और टेस्ट में भी ज़बरदस्त से थे, क्रंची से। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करें और इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं और देखिएगा मज़ेदार सा नाश्ता हमारा तैयार है। अगर आप किसी के आगे इस तरीके से प्लेटिंग करके भी रखेंगे तो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था।
और आप खुद भी खाएंगे तो भी लगेगा हाँ आप रेस्टोरेंट स्टाइल में कुछ घर पे नाश्ता खा रहे हैं। और मैंने सर्व किया है टोमेटो सॉस के साथ। तो आई होप आप लोगों को मेरी छोटी सी और सिंपल सी नाश्ते की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो मेरे चैनल अलविना रेसिपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और मेरे वीडियो को अगर आप लोगों का दिल करे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, कोई अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँगी मज़ेदार सी। और इसका कलर भी बड़ा अच्छा सा आया था, ग्रीन और गोल्डन कलर आया था। तो दोनों ही बेस्ट तरीके हैं, फ्राई करें या आप ऐसे करके ब्रशिंग खाली कर लें। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना परफेक्ट साइज़ बनाए, शेप बनाए, कहीं से भी टूटा नहीं है। और हाँ, फ्राई करने के टाइम आप थोड़ी सी केयर करें, जब आप फ्राई करते हैं ना तो ये बहुत सॉफ्ट सा हो जाता है, टूटने का डर रहता है, तो इस चीज़ का बस ख्याल रखें। और मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।